चांदनी जी आप क्यों तकलीफ करती हैं? रहने दीजिए, मैं उठा लूंगा। कौन से पेपर्स हैं जी? कुछ नहीं चांदनी जी, वो बिल्स वगैरह है। क्या है कि सरकार से चेक करवा के साइन ले रहा था, शादी में जो वर्कर्स लग रहे हैं ना उन्हीं की पेमेंट करनी है। कोई बात नहीं, अब सरकार तो अभी फोन पे बिजी है, अब तो बाद में सिग्नेचर ले लूंगा। अब जी चलता हूँ, बाकी बहुत काम देखना है। समर, कैसे हो बेटा? पापा मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे? उससे पूछिए वहाँ उसका कामकाज कैसा चल रहा है। मैंने सुन लिया मामा, आपके आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर। अच्छा पापा, कावेरी घर पे तो है? हाँ बेटा, हाँ यहीं पर लेता हूँ उसे। समर का फोन है। हेलो। क्या बात, मेरा फोन नहीं उठा रही, नाराज हो? मेरे नाराज होने से या ना होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता तो उस चुड़ैल को अपने ऑफिस से अभी तक निकाल चुके होते हैं। उस औरत ने आपकी पत्नी के साथ बदतमीजी की, ऐसी औरत को अपने ऑफिस की वाइस प्रेसिडेंट क्या झाड़ू मारने की पोस्ट पे भी नहीं रखना चाहिए। अरे बात क्या हुई है, बताओ तो सही। वो जानने की क्या जरूरत है आपको? इतना काफी नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि वो उस ऑफिस में रहे? बात समझने की कोशिश करो कभी। मैं ना तो मुझे कुछ सुनना है और ना कुछ समझना है, मुझे बस उस लड़की को उस ऑफिस से बाहर निकालना है। बच्चों जैसी बातें मत करो कभी, बिजनेस और इमोशंस को एक साथ रखना ठीक नहीं होता। क्या ठीक है क्या गलत, मैं ये सब नहीं जानती हूँ समय, बस मैं उस लड़की को उस ऑफिस में नहीं देखना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, इस बारे में मैं आके बात करूंगा। बात बात कुछ नहीं समर, मैंने कहा आउट मतलब आउट। कावेरी इतना आसान नहीं है, बिजनेस में इमोशंस के साथ फैसले नहीं होते। शी इज द वाइस प्रेसिडेंट, हमारे बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। खैर इस बारे में तुम नहीं समझो, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता, मैं आकर ही बात करूं। ओके मेरी शादी अटेंड करने के लिए तैयार हो रही है? नहीं, गलत सोच रहे हैं। ये जो आपने ब्लंडर किया है ना, इतनी बड़ी गलती उसे रोकने के लिए जा रही हूँ। अच्छा है चांद, क्योंकि ये गलती रोकने पर मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। बस इतना याद रखना, दो घंटे हैं तुम्हारे पास, क्योंकि उसके बाद मैं और उर्मिला सात फेरों में बंध चुके होंगे और इस अनहोनी को सिर्फ तुम रोक सकती हो। ऑल द बेस्ट। ठाकुर साहब, खम्मा घणी घणी खम्मा घणी खम्मा, आइए पधारिए पधारिए। चौधरी साहब, आप जैसे बड़े दिल के लोग आज के जमाने कहाँ मिले? अपने दोस्त की बेटी की शादी इतने शान से करना हर किसी के बस की बात। अरे हमारी बेटी जैसी है वो, अंदर रहिए। कमा गड़ी पधारिए पधारिए, इधर जी इधर जी। अबे ठाकुर पदम सिंह के घर में शादी हो रही है, वो भी ऐसी सुखी सुखी, कुछ इंतजाम किया कि नहीं? अरे ठाकुर साहब आप चिंता क्यों कर रहे हैं, मैं हूं ना। अरे पूरा इंतजाम है, आप बेफिक्र रहिए।
कहाँ है? अरे अब तो ये देखिए। ओ यार। वो महफिल ही कैसी जहाँ दिल वालों के साथ साथ दिल जले ना हो। तुम दिल से दिल वालों के लिए गाना, दिल जलों का ख्याल हम रखेंगे। खूब पर्दा है के चिल मन से लगे बैठे साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं। सुन लो तुम चिल मन उठेगी नहीं जलवों की रोशनी मिलेगी नहीं। सुन लो तुम देख तो नहीं लिया वरना इसी वक्त हमें बाहर निकाल देंगे। डरने की जरूरत नहीं, ठाकुर साहब ने आपको नहीं देखा। वो तो इस वक्त पूरी दुनिया को भूलकर डांस करने में बिजी है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, घूंघट को अपने चेहरे से मत हटने दीजिए नहीं तो गजब हो जाएगा। सुनिए जी, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? आप ये घूंघट ले लीजिए और आइए मेरे साथ। अरे तुम सब अब तक यही हो? बाहर कितना काम पड़ा है, चलो जाओ। उर्मिला देखो कौन है। My
आई? चांदनी तुम तो तैयार नहीं हो। मेरे अपने देव की शादी है और तुम यहाँ ऐसे घूम रही हो। जाकर जरा देव को देखो, क्या जच रहा है शेरवानी में। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देव। लगा बहुत अच्छा और अपनी उर्मिला को खुश भी रखेगा। वैसे शादी में ज्यादा वक्त नहीं है, अब देव अभी मंडप में आता ही होगा। कम ऑन हरी अप, चलो। चांदनी क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूँ? अपनी शादी याद आ गई ना। वैसे ऐसे माहौल में वो प्यारे प्यारे रोमांटिक पल तो याद आएंगे ना। तुम दुल्हन के रूप में शर्माई हुई मेरे साथ। प्लीज, हर वक्त मजाक अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला नहीं छोड़ सकते तुम? अच्छा बाबा मैं जा रहा हूँ, तुम नाराज मत हो, लेकिन जल्दी आना। सलोनी बेटे, बाहर सब ठीक तो है ना? हाँ बाबा। अरे ये उदासी क्यों? बाबा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उर्मिला का चेहरा देखकर अपराधी सा महसूस कर रही हूँ मैं। हम सब मिलकर उसका दिल तोड़ रहे हैं बाबू, सिर्फ उर्मिला ही नहीं उसकी माँ को भी दुख देंगे हम। वो दोनों सह नहीं पाएंगी बाबू। महाभारत में अर्जुन भी इसी दुविधा में पड़े थे, अपने ही भाइयों के प्रति हथियार उठाऊं, हिम्मत नहीं कर पा रहे थे वो। अपने ही खून के रिश्ते को चोट कैसे पहुंचाऊं, ये तो गलत होगा, यही सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए कहा कि अपना कर्म ना करना गलत है। धर्म अधर्म की इस लड़ाई में तुम्हारा कर्म है कि धर्म का साथ दो। तो यही समझ ले सलोनी कि हम भी एक कुरुक्षेत्र में हैं, धर्म अधर्म की इस लड़ाई में हमें भी धर्म का साथ देना है। इस जंग को छोड़कर भागना, अपने कर्म से मुंह फेरना होगा, कायरता होगी। लेकिन बाबू उर्मिला और देव, देव से शादी करके भी तो उर्मिला का जीवन बर्बाद ही हो जाएगा ना, क्योंकि देव तो पहले ही चांदी का पति है। बेहतर है ना कि समय रहते हम ऐसा रिश्ता जोड़ने ही ना दे जिसका कोई भविष्य ही नहीं। देव के बारे में उर्मिला का भरम टूटना उर्मिला और कजरी दोनों के हित में होगा। और वैसे भी हमारा लक्ष्य क्या है कि उस पदम सिंह को हराएं और अपने छिने हुए अधिकार वापस लें उससे। देख अब यहाँ तक आकर अपने आप को कमजोर न पड़ने दे सलोनी। जब तक हम इस अधर्मी पदम सिंह के अन्याय का अंत नहीं कर देते चैन से नहीं बैठ सकते। लेकिन बाबू चांदनी ने पदम सिंह के सामने अपनी जबान नहीं खोली तब क्या होगा? देव और चांदनी जैसे लोगों को किसी के भावनाओं की कोई कीमत ही नहीं। सात फेरों के बाद भी देव उर्मिला को छोड़कर जा सकता है। यही तो हमारी जिम्मेदारी है, हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। एक मासूम की जिंदगी का सवाल है, उसे नहीं बिखरने देंगे। अगर चांदनी ने पदम सिंह के सामने अपना मुंह नहीं खोला तो चांदनी और देव की शादी की खबर हम पदम सिंह को देंगे। ठीक है बाबू, आपकी बातों से मुझे शक्ति मिली है। देव साहब ने बधाई का संदेश भेजा है आपके नाम। अब वो शादी के मंडप में बैठ चुके हैं, कुछ ही देर में उर्मिला जी के साथ उनके विवाह की रस्म शुरू हो जाएगी। यह
मैं क्या करूं? मुहूर्त का समय आता जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा, वो भी जल्द से जल्द। सरकार सरकार जरा इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए सरकार। शादी के वक्त ही तुम लोगों को सारे काम याद आते हैं क्या? ऐसी कौन सी आफत आ गई जो अभी दस्तखत कराना जरूरी है? जी वो जी दस्तखत करना जरूरी है, शादी के लिए इतने सारे लोग काम पर लगे हैं, अगर पैसे नहीं दिए तो काम अधूरा छोड़ कर ना चले जाए। अरे तो उनके पैसे लेकर भाग नहीं रहे हम? वो बात नहीं है, दरअसल बात सगाई की हुई थी, अब शादी हो रही है, सभी चीजों का दुगना इंतजाम करना पड़ रहा है, पेमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। ओह अच्छा बताओ कहाँ करने दस्तखत? पेन 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 कर दीजिए। हाँ हाँ एक मिनट चलो। अरे वो सब मोड़ निकल रहा है। आई आई जो है जुर्माना के लिए खड़े हो जाए।